बहन बसंती देव जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता और पूर्व में उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, पार्टी के उपाध्यक्ष आदरणीय बलवंत सिंह भौरियाल जी, जनपद बागेश्वर के प्रभारी जिला प्रभारी भाई वीरेंद्र बल्दिया जी, जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष विक्रम शाही जी, राम सिंह कोरंगा जी, ब्लॉक प्रमुख कपकोट और ब्लॉक प्रमुख संगठन के प्रदेश के संरक्षक भाई गोविंद दानू जी, ब्लॉक प्रमुख बागेश्वर पुष्पा देवी जी, ब्लॉक प्रमुख गरुड़ हेमा बिष्ट जी, भाई कुंदन परिहार जी, जिला महामंत्री संजय परिहार जी, घनश्याम जोशी जी, दया लठानी जी, सुरेश कांडपाल जी, राजेंद्र राठौर जी एवं सभी हमारे मंचासीन, सभी हमारे पदाधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, विभिन्न विभिन्न मंडलों से आए हुए पूरे जनपद बागेश्वर के हमारे सभी मंडल अध्यक्ष, सभी प्रदेश के पदाधिकारीगण, सभी हमारे क्षेत्र पंचायत, सभी ग्राम सभा के ग्राम प्रधानगण एवं आज इस कार्यक्रम में बहुत बड़ी संख्या में पधारे पूरे जनपद बागेश्वर के दूर दूर से आए हुए सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित हमारे पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधु, मैं सबसे पहले तो बाबा बागनाथ की पावन भूमि में ये चेली बुआरी कौतिक कार्यक्रम में इतनी अपार संख्या में, अभी भाई अजय टमटा जी बोल रहे थे, उससे पहले सुरेश गढ़िया जी बोल रहे थे कि ऐतिहासिक संख्या में, इतनी अपार संख्या में यहाँ पर उपस्थित होने के लिए मैं सभी अपनी माताओं बहनों को प्रणाम करता हूँ। तथा जो कल से हमारा नया वर्ष प्रारंभ हुआ है, नए वर्ष की भी और कुछ ही दिनों में 10-12 दिन बाद उत्तरायणी भी आ रही है, उत्तरायणी पर्व की भी आप सभी को अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज के इस चेली बुआरी कौतिक में आपके द्वारा जो स्नेह और सम्मान हम सबको प्रदान किया गया है, उसके लिए मैं अपनी माताओं बहनों का दिल से आभारी हूँ। आज इस केदारेश्वर मैदान में संपूर्ण जिले बागेश्वर के लिए 99,97,00,000 रुपए की लागत से जिन योजनाओं का आज यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है, उन योजनाओं के धरातल पर उतरने के पर ये जनपद बागेश्वर के विकास में आने वाले समय में एक मील का पत्थर साबित होंगी। इन योजनाओं के द्वारा न केवल इस क्षेत्र का विकास सुनिश्चित होगा, बल्कि आने वाले समय में हमारे जो नौनिहाल है, हमारी जो नई पीढ़ी है, उन सबको भी इन सब का लाभ मिलने वाला है। आज इस कार्यक्रम में विभिन्न महिला समूहों द्वारा जो स्टॉल तथा प्रदर्शनी लगाई गई है, जहां इनमें एक ओर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिए गए आत्मनिर्भर भारत के मंत्र को धरातल पर उतारने का कार्य कर रहे हैं, वही हमारी जो मातृशक्ति है, उनकी प्रतिभा और कौशल से सभी को परिचित कराने का काम हो रहा है। हम उत्तराखंड राज्य के निर्माण में हमारी मातृशक्ति द्वारा किए गए योगदान को कभी नहीं भूल सकते। आज हमको ये राज्य प्राप्त हुआ है तो हमारी मातृशक्ति के द्वारा जो आंदोलन किया गया था, वो आंदोलन चाहे वो खटीमा का गोलीकांड हो, मसूरी का गोलीकांड हो या रामपुर तिराहा का संघर्ष हो, हम उसको कभी भुला नहीं सकते हैं। ये आप ही लोग ही हैं
जो अपने परिवार का ही नहीं बल्कि अपने समाज और अपने प्रदेश के हितों का भी ख्याल रखती हैं। मेरा मानना है मातृशक्ति के सहयोग के बिना किसी भी समाज या किसी प्रदेश देश का विकास संपूर्ण नहीं हो सकता है। यही कारण है हमारी संस्कृति में अर्ध नारायणेश्वर की कल्पना की गई है और कहा गया है यत्र नारस्तु पूजन्तु रमन्त्र तत्र देवता। मेरा मानना है कि जब महिलाएं किसी भी कार्य को अपने हाथ में ले लेती हैं, तो उस कार्य को पूरा किए बिना वो कभी चैन से नहीं बैठती हैं, क्योंकि परिश्रम और लगन हमारी मातृशक्ति एक दूसरे के पूरक हैं। जिस भी राष्ट्र की मातृशक्ति शिक्षित हो उस राष्ट्र का वर्तमान ही नहीं बल्कि आने वाला जो भविष्य है वह भी सुरक्षित रहता है, क्योंकि आज हमारे नौनिहालों को हमारे छोटे छोटे बच्चों को अगर हमारे शिक्षकगण विद्यालय में शिक्षा देने का काम करते हैं तो उनको पहली शिक्षा और पहला संस्कार वही देने का काम करती हैं तो हमारी माताएं बहनें करती हैं जो उनके परिवार से शुरू होता है। जिस राष्ट्र की मातृशक्ति शिक्षित हो वो कभी भी पीछे नहीं रह सकता है, हमेशा उसकी प्रगति सुनिश्चित होती है। वैसे अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो मंत्र दिया है उस मंत्र को मेरे बागेश्वर जनपद की मातृशक्ति ने अपनाकर न केवल बेटियों और हमारी बुआरियों को लाभ पहुंचाया है बल्कि उत्तराखंड का नाम पूरे भारत में रोशन किया है। अभी सुरेश गढ़िया जी तमाम घाटियों का नाम ले रहे थे, कमसार घाटी से लेकर कत्यूरी घाटी तक, दानपुर घाटी से लेकर हमारे सभी जितनी भी घाटियां यहाँ है सभी घाटियों में मैं देख रहा था आते समय अलग अलग उनके अलग अलग प्रकार के जो वहाँ के व्यंजन है वहाँ के द्वारा जो उत्पाद बनाए जाते हैं जिस प्रकार का एक नव सृजन नए उत्पादों के रूप में आप सबके द्वारा किया जा रहा है उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। कई बार हम कहते हैं बेटी को पढ़ाओ, हम कहते हैं बेटी को पढ़ाओ तो माँ कहती है अब इसको पढ़ाकर क्या करना है, इसको तो दूसरे के घर भेजना है, वहां जाकर जो करना होगा करेगी। मैं कहता हूं, मैं आज इस मंच से कह सकता हूं कि बेटी दो दो घरों को जोड़ने का काम करती है, अपने ज्ञान के प्रकाश से आलोकित कर सकती है, इसके लिए उसकी पढ़ाई तो और भी अधिक महत्वपूर्ण है। कभी भी हमको अपनी बेटियों को ये सोचकर स्कूल नहीं भेजना है कि वो दूसरे घर चली जाएगी। आप सभी जानते हैं हमारी संस्कृति में हम सब लोग कन्यादान करते हैं और कन्यादान हमारे लिए सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है, कन्यादान से बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं होता है। लेकिन उस पुण्य का लाभ हमको तभी मिलेगा जब हमने कन्यादान के साथ साथ विद्या का भी दान किया है, यानी अपनी बेटी को ठीक से पढ़ाने का काम किया है, ठीक से उसकी शिक्षा दिलाने का काम किया है। इसलिए मैं आज इस अवसर पर आप सभी से अपील करना चाहूंगा कि अपनी बेटी का कन्यादान करने से पहले उसे विद्यादान देकर मन मस्तिष्क में ज्ञान के बीज को अंकुरित उसको होने दें, पूरी तरह से उसके अंदर शिक्षा को शिक्षा से परिपूर्ण होने दें। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी माताओं बहनों से भी ये अपील करता हूं कि बेटियों को शिक्षित करने के साथ साथ उनको आत्मरक्षा के संबंध में भी जानकारी देना अत्यंत आवश्यक है। आज के इस कार्यक्रम में आपके द्वारा दिखाए गए इतनी बड़ी विशाल संख्या में जो आप सब लोग यहाँ पधारे हैं, आपको जहाँ एक तरफ शास्त्र का ज्ञान है वहीं आप लोग आत्मरक्षा करना भी जानती हैं। अब आज की नारी, मैं कह सकता हूँ कि आज की नारी अब अबला नहीं है, आज की जो नारी है आज की जो मातृशक्ति है वो हर प्रकार से सबला है,
हर प्रकार से आज सशक्तिकरण की ओर बढ़ रही है। क्यों बोलिए ना जोर से आप लोग, है ना सबला, सब आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं? चलिए बहुत अच्छा, जोर से बोलिए, हाँ कहिए ना, बहुत अच्छा। आज के इस कार्यक्रम में जहां संपूर्ण बागेश्वर जनपद की सभी घाटियों की हमारी मातृशक्ति यहां पहुंची है, जो ये दर्शाता है कि हमारे जो लोकाचार हैं वो भले ही अलग अलग हों, इस घाटी में अलग, उस घाटी में अलग, दूसरी घाटी में अलग, लेकिन हमारी मातृशक्ति की मेहनत और प्रतिभा में कहीं भी कोई अंतर नहीं है। सभी जगह मुझे एक चीज दिखाई देती है कि समान रूप से सभी घाटियां हमारी अपने अपने परिश्रम से, अपनी अपनी मेहनत से तेजी से आगे बढ़ रही हैं। कोई किसी क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, कोई किसी क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में, यानी कि माताओं बहनों को आगे बढ़ाने के लिए अनेकों काम हो रहे हैं, जो हमारे नए भारत की शानदार तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। आप सब जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को सुविधा के साथ सुरक्षा का सिद्धांत अपनाकर महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में अनेकों क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। ऐसे क्रांतिकारी बदलाव किए हैं जो आजाद भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुए थे। उन सभी बदलावों को अमल में लाकर हमारी माताओं बहनों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम किसी ने आजाद भारत में किया है तो उस भारत माँ के लाल का नाम है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। सुविधाएं, उन सुविधाओं से जुड़ने का काम हुआ है। बेटियों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, टीकाकरण, दूसरी आवश्यक जरूरतों पर भी सरकार पूरी संवेदनशीलता से काम कर रही है। ये हमारी प्राथमिकता है कि हमारी मातृशक्ति को आगे बढ़ाना है। आज देश भर में स्वयं सहायता समूह से जुड़कर हमारी जो मातृशक्ति है, महिलाएं हैं, वो आत्मनिर्भर बन रही हैं। उत्तराखंड में भी हमारी महिला स्वयं सहायता समूह की बहनों ने प्रत्येक क्षेत्र में बहुत शानदार काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मैंने देखा है, क्योंकि अनेक जो कार्यक्रमों में मातृशक्ति के बीच में गया हूँ, तो हमारी मातृशक्ति ने, आप जैसी माताओं बहनों ने गांव के सामान्य परिवेश में रहकर ऐसे ऐसे शानदार उत्पादों का निर्माण किया है, नए नए उत्पाद बनाए, हथकरघा के क्षेत्र में बनाए, खाने पीने के क्षेत्र में बनाए, तमाम प्रकार के जो बुनाई सिलाई के क्षेत्र में बनाए, वो बड़ी बड़ी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मल्टीनेशनल कंपनियां, उन मल्टीनेशनल कंपनियां को भी फेल करने का काम किसी ने किया है, उनसे भी अच्छा उत्पाद बनाने का काम किया है, तो हमारे उत्तराखंड की माताओं बहनों ने बनाया है। भाई बहनों, हम हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रदेश की महिलाओं को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत जहां हमने उत्तराखंड की जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं, उन सभी सरकारी नौकरियों में 30% का आरक्षण हमारी माताओं बहनों के लिए विधेयक लाकर विधानसभा में सुनिश्चित कर दिया है कि हर क्षेत्र में हमारी माताओं बहनों को 30% का आरक्षण मिलेगा। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, लखपति दीदी योजना, मुख्यमंत्री अमृत आंचल योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री नैनो योजना, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी योजना, नंदा गौरा मातृवंदन योजना और महिला पोषण अभियान जैसी अनेक योजनाएं हमने प्रारंभ की है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं, जब से मैंने मुख्यमंत्री के रूप में आप सबकी सेवा का दायित्व संभाला है, तब से मेरा प्रयास रहा है कि प्रदेश की जनता के हितों के लिए जो भी आवश्यक कदम हो बिना देरी से हम उनको उठाएं। और इस क्रम में अनेक चुनौतियां हमारे सामने आई हैं, अभी भी आप लोग देख रहे होंगे, जितनी भी चुनौतियां आती हैं, जितने भी रास्ते रोकने के प्रयास किए जाते हैं, भाइयों बहनों, हमारी माताओं बहनों के आशीर्वाद से, उत्तराखंड के बड़े बुजुर्गों के मार्गदर्शन से हमने संकल्प लिया है, जो भी
उत्तराखंड राज्य के हित में जो भी फैसले लेने होंगे हम उन फैसलों को लेने में एक मिनट की भी देरी नहीं करेंगे। चाहे कोई मामला हो, कितना भी कठिन से कठिन मामला हो, राज्य के हित में हम लगातार आगे बढ़ेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी का हमको पूरा आशीर्वाद है, हर समय उनका उत्तराखंड के साथ एक विशेष रिश्ता है। उन्होंने हमेशा उत्तराखंड की सभी योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। और पिछले अगर हम उनके 9.5 वर्षों का कालखंड देखेंगे तो 9.5 वर्ष के कालखंड में हमने उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड के अंदर जितनी योजनाएं स्वीकृत हुई हैं, आजाद भारत के इतिहास में कभी इतनी योजनाएं स्वीकृत नहीं हुई थी। अगर हम एक एक करके जोड़ेंगे, हमारे सांसद जी यहाँ बैठे हैं, इनके प्रयासों से भी अनेक योजनाएं केंद्र की सरकार ने यहाँ पर हमको स्वीकृति प्रदान की है। 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा की योजनाएं पूरे उत्तराखंड के लिए उन्होंने स्वीकृत की है। भाइयों बहनों, हमने जहां प्रदेश के अंदर भी अनेक जो चुनौतीपूर्ण मामले थे, उन चुनौतीपूर्ण मामलों में हमेशा हमने निर्णय लिया है। जिसके बारे में अभी टमटा जी बोल रहे थे अजय भाई, कि हमने देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून हमने प्रदेश के अंदर अपने यहाँ लागू किया है। और ये कानून कोई सामान्य कानून नहीं है। ये कानून लागू करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये कानून लागू करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि हमारे जो गरीब माता पिता के बेटे होते हैं, आप सबके बीच में से हमारे कांडा से, कमसार से, लीति से, सामा से, तमाम ऐसे स्थानों से जो बच्चे जिनके माता पिता जो दूध बेचते हैं, घी जमा करते हैं, सब्जी बेचते हैं, छोटी सी दुकानदारी करते हैं या छोटी छोटी खेती करते हैं, फल बेचकर, माल्टा बेचकर, नींबू बेचकर अपने बेटे और बेटियों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं और पढ़ाने लिखाने भेजने के बाद उनकी मेहनत को लूटने का काम नकल माफिया कर रहे थे। भाइयों बहनों, ऐसे माता पिताओं के और उनके बेटे बेटियों के साथ लगातार छल हो रहा था, धोखा हो रहा था। आप स्वयं बताइए, अगर ऐसे माता पिता और उनके बेटे बेटियां जो अपने जीवन का सब मेहनत लगाकर उनको पढ़ा रहे लिखा रहे लेकिन परीक्षा हो रही है तो उनका नाम नहीं आ रहा है। नाम इसलिए नहीं आ रहा है कि वो योग्य नहीं है। वो योग्य भी है, सुयोग्य भी है, पढ़ने में भी आगे है, अच्छी पढ़ाई करी है, मेहनत करी है, लेकिन नकल करके उनके हिस्से का कोई जो है नकल के चुरा कर उनके हिस्से को लेकर जा रहा था। भाइयों बहनों, हमने उसको रोकने का काम किया है और हमने उम्र कैद तक की सजा का इसमें प्रावधान किया है। इस नकल अध्यादेश के लागू होने के बाद आज प्रदेश के अंदर ऐसे बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं, आप सबके बीच में से निकले होंगे, प्रदेश के अनेकों अनेकों स्थानों पर मैं जाता हूँ तो अनेक माता पिता, उनके चाचा चाची, उनके मामा, उनके परिवार के लोग कहते हैं कि हमारे घर के बच्चे पहले भी तैयारी कर रहे थे लेकिन उनका नाम नहीं आ रहा था। जब से आपने नकल का अध्यादेश लागू किया है तब से कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो एक परीक्षा में भी पास हो रहे हैं, फिर दूसरी में भी हो रहे हैं, तीसरी में भी हो रहे हैं और चौथी परीक्षा में भी पास हो जा रहे हैं। भाई यह नकल अध्यादेश लागू होने के बाद अब जो योग्य हैं, पढ़ाई लिखाई जिन्होंने अच्छी करी है, उन सबका नंबर आ रहा है। इसी प्रकार से हमने प्रदेश में धर्मांतरण को रोकने के लिए धर्मांतरण का सख्त कानून बनाया है। प्रदेश में पहली बार हमारे प्रदेश का नाम देवभूमि उत्तराखंड है। पूरी दुनिया के अंदर हम कहीं जाते हैं, देश के अंदर कहीं जाते हैं, आप जैसे ही उनको कहोगे कि हम उत्तराखंड के रहने वाले हैं तो आपके प्रति उनका भाव बदल जाएगा। लोगों को आपको देखने की जो दृष्टि है वो बदल जाएगी। ये उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है, ये मूल स्वरूप देवभूमि है, शुद्ध स्वच्छ वातावरण है। उत्तराखंड के अंदर हमने कहा अब जो अतिक्रमण है, जो लैंड जहाज है, वह भी नहीं चलेगा। भाइयों बहनों, उसको भी रोकने का काम हमारी सरकार ने किया है और 5,000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन अतिक्रमण से मुक्त करवाई है। वहीं हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ भी कोई छोटा हो बड़ा हो, चाहे वो किसी बड़ी नौकरी में काम करता हो, कितनी बड़ी पहुंच वाला हो, अगर उसका नाम आया है तो उसके खिलाफ भी हम कठोर कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटे हैं। हम उत्तराखंड में
देश के अंदर जो लंबे समय से एक मांग उठती रही, बड़ा हम सब लोगों के लिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भगवान राम त्रेता युग में पैदा हुए थे और कलयुग के 5000 वर्ष से भी ज्यादा हो गए। अब हम भी जो है दोबारा से उसी त्रेता युग के साक्षी बनने जा रहे हैं जिस त्रेता युग में भगवान राम पैदा हुए थे। और 22 जनवरी को आप सबकी जो लंबे समय से प्रतीक्षा थी, लंबे समय से आप सब इंतजार कर रहे थे कि जहां भगवान राम पैदा हुए थे वहीं उनका जो है मंदिर बने, भगवान राम वहां पर विराजमान हो। 22 जनवरी को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भगवान राम अयोध्या में अपनी जन्मभूमि पर विराजमान हो रहे हैं और हम सबको इस सौभाग्यशाली क्षण का साक्षी बनने का अवसर मिल रहा है। इसके साथ साथ देश के अंदर समान नागरिक संहिता का कानून बनाने के लिए लंबे समय से मांग उठती रही है भाइयों बहनों, हमारे प्रधानमंत्री जी ने राम मंदिर निर्माण का कार्य पूरा कर दिया, धारा 370 समाप्त कर दी, 3 तलाक का कानून लागू कर दिया और हमने उत्तराखंड से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में आप सबके समक्ष इस विधानसभा चुनाव से पहले आपके सामने हमने संकल्प रखा था कि हमारी नई सरकार गठन होगी, नई सरकार बनेगी तो हम सबसे पहले कोई काम करेंगे तो समान नागरिक संहिता का कानून लाने के लिए करेंगे। मुझे आप सबको बताते हुए खुशी है कि समान नागरिक संहिता का कानून लाने के लिए जो हमने कमेटी बनाई थी उस कमेटी ने ड्राफ्ट तैयार कर दिया है, जल्दी हमको ड्राफ्ट मिलने वाला है और जैसे ही हमको ड्राफ्ट मिलेगा हम वैसे ही इस कानून को लागू कर देंगे। भाइयों बहनों, राज्य के हित में हम वो सब काम करेंगे जो राज्य के लिए जरूरी है। हमारे आंदोलनकारी भाई जो लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे, उनकी पेंशन बढ़ाने का मामला हो, उनकी पेंशन को हमने बढ़ाने का काम किया, 10% क्षतिज आरक्षण लाने के लिए हमने बीच में प्रावधान किया, कुछ उसमें तकनीकी टूटी हो गई थी उसको भी सुधार दिया गया है, प्रवर समिति ने सारा काम कर लिया है, जल्दी विधानसभा का सत्र जैसे ही हम आउट करेंगे उस विधानसभा के सत्र में 10% का आरक्षण लाने का भी हम काम करेंगे। अभी भाइयों बहनों, बीच में हमने प्रदेश के अंदर पिछले वर्ष मई 2023 में मैंने स्वयं इसकी पहल की थी पूरे अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ कि प्रदेश के अंदर हमने कहा है कि आइए, चूंकि हमने अभी इन्वेस्टर ग्लोबल सबमिट किए जिसके बारे में अभी भाई अजय टमटा जी यहाँ से कह रहे थे, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हमने पूरी दुनिया के लोगों का आमंत्रित किया और 50 से भी दुनिया के ज्यादा देशों के लोगों ने इन्वेस्टर ग्लोबल समिट में आकर उत्तराखंड में अपना उद्योग, अपना इन्वेस्टमेंट करने की हमारे सामने अपना प्रस्ताव दिया है, हम उस पर आगे बढ़ रहे हैं। हमने कहा है आप आइए उद्योग लगाइए, आप आइए इन्वेस्टमेंट करिए, बड़े होटल बनाइए, रिजॉर्ट बनाइए, डेस्टिनेशन बनाइए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि उत्तराखंड आने वाले समय में वेडिंग डेस्टिनेशन होगा, जो लोग दुनिया के देशों में अपनी परिवार के बच्चों का विवाह करने के लिए जाते हैं उनसे उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में करिए, देवभूमि में करिए, पूरी दुनिया के लोग यहाँ आएंगे, हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, ऐसे भी बहुत सारे मामले आए कि गाँव में हमारे पहाड़ में दूर दराज कई नालियों की नालियां, किसी ने 100 नाली, 200 नाली, 500 नाली, 1000 नाली ऐसे जमीन लेकर छोड़ दी है, कुछ मैदानी क्षेत्र में भी जमीनें लेकर अवैध प्लाटिंग का धंधा शुरू कर दिया है। हमने कहा है कृषि योग्य जितनी भी भूमि है उस कृषि योग्य भूमि पर हम अब खरीद फरोख्त पर फिलहाल अभी हम रोक लगाते हैं और उसकी सबकी जाँच करवाएंगे कि भाई किसने किसको किस परपज के लिए जमीन चाहिए। लेकिन हमने कहा है व्यवसाय परपज के लिए, इंडस्ट्री लगाने के लिए, होटल बनाने के लिए इस पर हमने कोई रोक नहीं लगाई है, क्योंकि होटल बनेंगे, इंडस्ट्री लगेगी, उद्योग आएंगे तो हमारे सब नौजवानों को, युवाओं को हमारे प्रदेश के अंदर रोजगार मिलेगा। आज रुद्रपुर में अगर इंडस्ट्री आई है तो हमारे प्रदेश के नौजवान युवा काम कर रहे हैं, सितारगंज में आई है, काशीपुर महुआ केड़ागंज में आई है, या हरिद्वार में बड़ा सिटपुल बनाया है, या देहरादून में सिटपुल बनाया है तो हमारे प्रदेश के बच्चों को अपने घर के पास काम करने के लिए अवसर मिल रहा है। भाइयों बहनों, आज एक बड़ा परिचलन खराब हो गया है, आज कांग्रेस पार्टी हो या दूसरे विपक्षी पार्टियां हो उनके पास अब सीधे सीधे कहने के लिए कुछ बचा नहीं,
क्योंकि कोई ऐसा काम हम नहीं कर रहे हैं, हम सारे फैसले आप सबके आशीर्वाद से प्रदेश के हित में ले रहे हैं, क्योंकि आपने हमको काम करने का अवसर प्रदान किया है। आपने अपना आशीर्वाद देकर उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार किसी पार्टी को लगातार दूसरी बार सरकार में आने का मौका दिया है, सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। इसलिए हम पूरे समर्पण के साथ, पूरे अच्छी निष्ठा के साथ, अच्छी नियत के साथ प्रदेश के अंदर फैसला ले रहे हैं। कुछ लोग जो सामने नहीं आ सकते, जो राजनीतिक दल आज जनता का भरोसा जिनके ऊपर नहीं रहा, लगातार शिकस्त खा रहे हैं, 3 राज्यों के चुनाव हुए उनमें भी उनको बुरी तरह से भूखी खानी पड़ी है। आज पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास कर रहा है, मोदी जी का नेतृत्व आज हमको विश्वव्यापी पहचान दिला रहा है, पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ाने का काम कर रहा है। तो ऐसे समय में उत्तराखंड में कुछ लोग मोहरों के रूप में कुछ नौजवानों को, कुछ युवाओं को बरगला कर उनको आगे करने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों से भी हमें सावधान रहना है। मैं आज इस पवित्र बागेश्वर बागनाथ बाबा की धरती से कहना चाहता हूँ कि मैं विश्वास के साथ आप सबसे कहना चाहता हूँ कि राज्य के हित में जो भी निर्णय लेना होगा, कभी भी हमारी सरकार जिसको आपने सेवा करने का अवसर प्रदान किया है, वो सरकार कभी एक भी कदम पीछे हटने वाली नहीं है, एक भी कदम डिगने वाली नहीं है। हम लगातार आगे बढ़ेंगे और जो हमने संकल्प लिया है कि उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनेगा, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने एक बार नहीं अनेकों बार उनके मुंह से, पहली बार बाबा केदारनाथ की धरती पर ये शब्द उनके मुंह से निकले थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा और उत्तराखंड हर क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। आज भाइयों बहनों हम उस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, चाहे आज वो फलों के क्षेत्र में हो, चाहे आज वो कृषि बागवानी के क्षेत्र में हो, चाहे वो उद्योग के क्षेत्र में हो। उद्योग के क्षेत्र में भी अभी 3.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा के MOU निवेशकों के करार हमारे साथ हुए हैं, इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। आज हमारी माताएं बहनें स्वयं सहायता समूह बनाकर आगे बढ़ रही है, हर क्षेत्र में उत्तराखंड आज आगे बढ़ रहा है। और उनके शब्द यूं ही नहीं निकले, वो शब्द भगवान के शिव रूपी शब्द थे जो केदारनाथ में निकले थे और वो साक्षात होकर धरातल पर आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों हमको संकल्प लेना है कि हम प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप हम राज्य के विकास और कल्याण में अपनी पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ देश को, देश का अग्रणी राज्य बनाने के जो हमारा विकल्प रही संकल्प है, उस पर उसकी पूर्ति के लिए निरंतर कार्य करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपका सहयोग और समर्थन हमारी सरकार को और हम सब लोगों को मिलता रहेगा, आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा, माताओं बहनों का समर्थन मिलेगा, तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे और हिंदुस्तान के हम श्रेष्ठ राज्यों में हमारी गिनती होगी। मैं आज के अवसर पर, चूंकि बहुत सारे हमारे सांसद जी ने भी बहुत सारे प्रस्ताव दिए हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष जी ने भी दिए हैं, हमारे विधायक सुरेश गढ़िया जी ने भी दिए हैं, पार्वती दास जी ने भी दिए हैं, बलवंत सिंह भौरियाल जी ने भी दिए हैं, मैं सभी जितनी भी ये प्रमुख जो चीजें अभी गढ़िया जी ने तो बहुत लंबी मांग यहाँ से रखती है, सभी जो है इनके काम आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे याद है अभी ये मुझे कोचिंग का जो भगवती मंदिर दिखा रहे थे, मुझे भी वहाँ जाने का अवसर मिला था और बहुत शानदार मंदिर बन गया, डिग्री कॉलेज अच्छा बन गया, विधायक जी बैठी है जिसकी हमारी, अभी इनके क्षेत्र में भी काफी काम हो गया, पार्वती दास जी के, स्वर्गीय चंदन राम दास जी ने अनेकों कामों को आगे बढ़ाया था, बहुत सारे कामों को मैंने पिछली बार अपनी घोषणाओं में सम्मिलित कर लिया और जल्दी से जल्दी जो काम बचे हुए हैं, चाहे काफली घर का हो, सिद्धा हमारे गहरे थे फील्ड को बनाना है, वो फील्ड का भी मैं लेकर जा रहा हूँ, उसको भी जो है आगे हम अपनी घोषणाओं में सम्मिलित करके जल्दी से जल्दी उसको भी मूर्त रूप देने का काम करेंगे, उसको भी धरातल पर उतारने का काम करेंगे। हमारे भौरियाल जी कह रहे थे एक पुल का निर्माण करना है, उसको भी मैं लेके जा रहा हूँ, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, मुझे याद है राम सिंह चौधरी जी भी बैठे हैं, हमारे प्रमुख लोग भी बैठे हैं, मुझे याद है इंदर भाई सारी चीजें और कुछ घोषणाएं जो जनपद बागेश्वर के स्तर पर होनी है। एक नशा और नशा हमारे समाज में, हमारे आने वाली पीढ़ी में बिल्कुल जहर की तरह घुलता जा रहा है, जहर की तरह लग गया, इस नशे से हमको मुक्ति पानी है, इसलिए एक नशा मुक्ति केंद्र इसकी स्थापना जनपद बागेश्वर में की जाएगी, मैं इसकी घोषणा करता हूँ। बागनाथ मंदिर बागेश्वर के संग्रहालय में 90 प्रतिमाओं की प्रतिस्थापना का कार्य किया जाएगा। बदियाकोट कर्मी तलाई में 100 MT गोदाम तथा आवासीय भवन का निर्माण कार्य किया जाएगा। विधानसभा कपकोट के क्षेत्र का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कपकोट को
वहां पर जिला चिकित्सालय बनाया जाएगा, क्योंकि यहां पर पूरे क्षेत्र का बहुत दबाव रहता है। हमारी ईजा बेणी है, सबको इसकी जरूरत होती है। इसके साथ साथ सामा के मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण भी सामा में किया जाएगा। जनपद बागेश्वर में भराड़ी में मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण कार्य किया जाएगा। अन्य भी हमारे जो प्रस्ताव हैं उन सभी को जल्द से जल्द पूरा कराने के लिए और आदर्श उत्तराखंड बनाने के लिए हमारा जनपद बागेश्वर आदर्श बने। ये बाबा बागनाथ की भूमि है, ये हमारे तमाम प्रकार के देवी देवताओं का स्थान है। मैं उन सभी देवी देवताओं को नमन करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। इतनी बड़ी संख्या में आप सब पधारे हैं। अंत में इस भव्य आयोजन के लिए हमारे जिला प्रशासन की, हमारे जिलाधिकारी अनुराधा पाल जी का, हमारे एसएसपी साहब का, एसपी साहब का, पूरे जनपद के सभी अधिकारियों का, कर्मचारियों का, आए हुए सभी माताओं बहनें बड़ों बुजुर्गों नौजवानों का सबका धन्यवाद करते हुए एक सरयू के मूल स्थान को पर्यटक स्थल के रूप में बनाया जाएगा। हमारे विधायक जी कह रहे हैं, मैं इसकी भी घोषणा करता हूं। एक बार फिर से आप सभी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हुए इस भव्य आयोजन के लिए बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय, मुख्यमंत्री।